हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसालेदार नमकीन सेवई, जिसे खाने के बाद आप मैगी और नूडल्स खाना भूल जाएंगे। लेकिन इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है मसालेदार नमकीन सेवई। मसालेदार सेवई बनाने के लिए हमने ली है 1.5 कटोरी सेवई। ये हमने रोस्टेड ली है, इसे हमें रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने 2 टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, 2 प्याज काटे हैं, 1 शिमला मिर्च, और ये हमने लिया है तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, ये मैंने 3 चम्मच लिया है। और मसाले के अंदर मैंने लिया है मैजिक मसाला, ये मैंने लिया है अचारी मसाला, इसकी वीडियो मैंने दे रखी है, ये डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आप देख सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हमने लिया है नमक, ये हमने कुछ सरसों के दाने लिए हैं, ये है लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप कश्मीरी मिर्च यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा मिर्च नहीं ले रही क्योंकि हम तीखा नहीं खाते, आप हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये हमने एक पैन को गैस पे रख लिया है, पैन को गर्म होने दें। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे सरसों के दाने, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग। हींग मैं आपको बताना भूल गई थी, हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इसे फ्राई होने दें। सरसों के दाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा कुक होने दें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। आप कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके घर पे अवेलेबल हो, जैसे कि मटर, गोभी, बीन्स, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, अचारी मसाला, मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे 1 पाउच मैजिक मसाला। ये मसाला आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा, और जो अचारी मसाला है वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी। हल्का सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, 1-2 चम्मच मैंने पानी डाला है, और 1 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है और सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, जितनी हमने सेवई ली है उससे 3 गुना हमने पानी डालना है। ये हमने 3 गुना पानी डाल दिया है और फ्लेम हमने हाई कर दी है, हाई फ्लेम पर पानी को बॉईल होने दें। आप देख रहे हैं पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे सेवई और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे 4 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। मैंने इसको 4 मिनट बाद रखा है, तो ये पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ये सेवई बनकर तैयार हुई है, अचारी सेवई। इसे हम एक बाउल में सर्व करने के लिए डाल लेते हैं। हमने इस सेवई को सर्व करने के लिए एक बाउल में डाल दिया है। आप देख रहे हैं कि सेवई हमारी कितनी अच्छी तैयार हुई है। उम्मीद है आप सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसको डाल सकते हैं, बच्चे ये खाएंगे तो मैगी और नूडल्स भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।